केंद्र एवं राज्य सरकार के जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध बढ़ारा विधायक सरोज यादव के द्वारा आरा प्रखंड कार्यालय में धरना दिया गया। क्या कहना है बढ़ारा विधायक सरोज यादव का, आइए सुनते हैं। किसी का विरोध नहीं है, मेरे कहने का मतलब प्रशासन तो देख रही है ना कि दुधारू है कि काटने वाली मवेशी है, क्यों इस तरह से किया जा रहा है। तो बजरंग दल वाले जिला को चलाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर किसको कहा जाता है, कानून अपना काम करे, किसी के कहने पर ना काम करे। मामला है अक्सर बिहिया का, छोड़ दीजिए अक्सर कोइलवर में हुआ, बिहिया में हुआ, क्या कर रही है प्रशासन। तो गलत निकल गया ना, गलत निकला, लेकिन क्यों अरेस्टिंग हुआ, क्यों उनको डिस्टर्ब किया गया। बहुत सारे लोग जीविका चलाते हैं उससे, बहुत सारे जादो जाति के हो, पिछड़े जाति के हो, कोई भी गरीब परिवार के लोग हैं, यहाँ तक स्वर्ण जाति में गरीब गुरबा लोग भी पालते हैं इस मवेशी को। बड़का ही लोग ही बीप आए, ठीक है, रक्षक हो गए, गाय करो, सब माफियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकारी योजना सही तरह से लागू करो, लागू करो, लागू करो। में काम करिए, शराब माफिया का पैर भी करते हैं तो आप बताइए, बालू माफिया का पैर भी करते हैं तो बताइए। हमने, हम लोगों ने तो कभी ऐसा नहीं किया, अगर मेरे पे कोई आरोप है तो मेरे पे कार्रवाई किया जाए। मेरा भाई कोई कसूरवार भी नहीं है, मेरे भाई पे आपके नगर था, इनके नवादा थाना के जो आयु है वो आप ये किए हैं कोर्ट में कि हमको अरेस्ट वारंट दीजिए, इनके भाई को अरेस्ट कर। वो ठिकदारी वाला में फर्जी डॉक्यूमेंट्स लोगों ने डाल दिया है, मेरे भाई का साइन नहीं है, हम कोर्ट में क्वेश्चन करने के लिए केस किए हैं और मेरे भाई पे इधर लोग लगे हैं, अभी दो दिन पहले लोग गए हैं कोर्ट में, ठीक है आप अरेस्ट करिए। एक बात मैं आपसे विकास भैया पूछना चाहते हैं कि क्या दुधारू मवेशी को यहाँ पे भेज दिया जाता है, 20-20 को मवेशी पकड़ा जाता है आपका वहाँ पे पिया चौरास्ता पे, अब भेज दिया जाता है, सबका बच्चा है, ये तो आँख से देखने वाला चीज है कि कटवाने वाली मवेशी है कि दुधारू मवेशी है। जब दुधारू मवेशी है तो कोई दुधारू मवेशी को कटवाएगा क्या, मांगता है कम से लगातार आप धरना दे रहे, तालाबंदी कर रहे हैं, क्या मांगे आप? मेरा भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं धरना दे रहा हूं। 30 अक्टूबर को मैं बढ़ारा में दिया था, 1 नवंबर को कोइलवर में, आज 3 नवंबर को जिला सदर ब्लॉक मुख्यालय के समक्ष धरना दे रहे हैं। मेरी मांग है जिस तरह से गरीब के साथ अन्याय किया जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी की जा रही है कि धनाढ्य लोगों को उसका लाभ दिया जाता है, झोपड़ीनुमा मकान वाले को उसका लाभ नहीं दिया जाता है। 2010 से ही दूसरे किस्त का इंदिरा आवास का पैसा, दूसरे किस्त का आज तक नहीं दिया गया है। लोग त्राही माम कर रहे हैं, ब्लॉक के चक्कर काट रहे हैं, 7 साल बीतने जा रहा है, दूसरे किस्त का पैसा नहीं दिए हैं। गरीब जनता क्या करेगी, कहाँ जाएगी? उसके बाद 2 साल से पेंशन से वंचित रखा गया है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इससे वंचित रखने का लोग काम किए हैं। इतना ही नहीं, आज जिस तरह से पूरे बिहार में बालूबंदी करके गरीब गुरबा परिवार के लोग जितने तराही माम कर रहे हैं कि उसमें दलित क्लास के लोग, पिछड़े क्लास के लोग, मलाह जाति के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग, अल्पसंख्यक परिवार के, जो गरीब परिवार के लोग हैं, स्वर्ण जाति में भी अगर गरीब परिवार के लोग हैं जिनकी बालू से जीविका चलती थी, आज सरकार बालू बंदी करके गरीब के चूल्हा बुताने की काम की है। और जब तक गरीब के चूल्हा बुतेगा एक दिन सरकार भी यहाँ से गद्दी छोड़ के जाएगी। और इसी तरह से हमारे यहाँ आपदा से मरे हुए लोग, जो कि सरकार के माननीय मंत्री सदन में खड़ा होकर जो आपदा मंत्री हैं कहते हैं कि हम 24 घंटा में आपदा का पैसा तत्काल पीड़ित परिवार को देने का काम करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ दो अढ़ाई साल से 12-14 लोगों का आपदा का पैसा लंबित पड़ा है। इनके यहाँ बार बार कहने के बाद भी कभी ये लोग कहते हैं कि मेरे पास ये कागज नहीं आया, कभी वो कागज नहीं आया, और 2-2.5 साल से दौड़े आ रहे हैं पारिवारिक लाभ बढ़ारा में चिन्हित करके, और प्रखंड विकास पदाधिकारी नहीं देने का काम करते हैं। आला अधिकारियों से आपने वार्ता की है? आपके जिला अधिकारी भोजपुर से मैं बात किया, संजीव जी से जाकर के मैंने उनको सारी समस्या से अवगत कराने का काम किया, मैंने बताने का काम किया कि जिस तरह से गरीब गुरबा के साथ शोषण किया जा रहा है। मैं कहता हूँ एक तरफ सरकार कहती है कि कोई भी जनप्रतिनिधि या माननीय विधायक या कोई भी
छोटा प्रतिनिधि वार्ड हो, जिला परिषद हो, समिति हो, पंच हो, सरपंच हो, अगर कोई भी जाता है उनके चेंबर में तो उससे सम्मानजनक बैठा करके बात करनी है, उसकी समस्या को जाननी है, लेकिन ये लोग नहीं बात करते हैं। अगर दलित क्लास के कोई प्रतिनिधि है, पिछड़ा क्लास का कोई प्रतिनिधि है, अति पिछड़ा समाज का कोई प्रतिनिधि है, अल्पसंख्यक परिवार का कोई प्रतिनिधि है, या कमजोर स्वर्ण जाति में कोई प्रतिनिधि है, तो उसको बात नहीं करते हैं, चेंबर से भगाने का लोग काम करते हैं। जब जनप्रतिनिधि से आप बात नहीं करिएगा तो जनता की समस्या को कैसे सुनिएगा? जनता की समस्या नहीं सुनिएगा तो जनता इसी तरह से ब्लॉक के चक्कर काटते रहेगी। और ये लोग कुछ नहीं करने जा रहे हैं, ये लोग जो पैसा देता है उसी का काम करते हैं। यहाँ आरा प्रखंड मुख्यालय में सरकार के नियमावली में है कि जिसकी घर अगर उस प्रखंड मुख्यालय में होगा तो उसका नियुक्ति उस प्रखंड मुख्यालय में नहीं होगा, लेकिन यहाँ के हल्का कर्मचारी पंकज कुमार सिंह धमार गांव के इसी प्रखंड के रहने वाले हैं और उनका सर्विस बुक में भी यही का इसी प्रखंड का एड्रेस दिया गया है और उनको पकड़ी में नियुक्ति किया गया हल्का कर्मचारी के पद पे। वर्तमान समय में आपको धरना विधायक के रूप में लोग कहे जा रहे हैं, जो भी लोग कहे, अगर जनहित की बात करना है, गरीब गुरबा दलित पिछड़ा अति पिछड़ा अल्पसंख्यक परिवार की बात को कहना है, वो लोग धरना कहें या कुछ भी कहें, मैं गरीब के वजह से विधायक बना हूं और गरीब गुरबा के लिए मैं कहीं भी लड़ने के लिए तैयार हूं। गरीब मेरी जान है, आज गरीब परिवार के लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे किसी से कोई डर नहीं है। जब तक गरीब का आशीर्वाद मेरे पे रहेगा, भगवान साक्षात मुझे मदद करेंगे और मेरे साथ हमेशा भगवान है। आज आप धरना आरा प्रखंड में, देखिए आज आरा प्रखंड मुख्यालय के समक्ष में धरना और तालाबंदी करने का काम करता हूँ और 6 नवंबर को विशाल रूप से 10,000 और 12,000 के संख्या में लोग आएंगे गांव गवाई से और आकर के जिला अधिकारी के आवास में भी तालाबंदी करने का काम करेंगे और इन्हें बाहर निकालने का काम करेंगे। जब गरीब का काम नहीं होगा तो कोई दलाल और अमीर ज्यादा का भी काम नहीं होगा। आज झुपड़ेनुमा मकान वाले का घर नहीं बनता है, लेकिन जो ब्लॉक के दलाल हैं एक नहीं तीन तीन बार इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा उठाने का काम करते हैं। आज जिला की स्थिति देख लीजिए, जो दुधारू मवेशी है, ये बजरंग दल वाले इस तरह का काम कर रहे हैं कि जो दुधारू मवेशी है उन्हें आज बिहिया चौरास्ता से पकड़ के और भेजने का काम किए, कुलवर से भेजने का काम किए जिला में। क्या जो प्रशासन पदाधिकारी या जो भी थाना इंचार्ज जो पकड़ते हैं उनको ये ज्ञान नहीं है कि ये दुधारू मवेशी है, जिसका बच्चा रहते हुए भी उसको भेजने की क्या जरूरत है? कोई बजरंग दल वाले यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर चलाएंगे या यहाँ के लोग एक न्याय संगत काम करे, किसी के साथ अन्याय नहीं हो, अन्याय होगा। आज कुछ लोग आए थे इस भोजपुर की जो आरा जिला के जो ट्रैफिक के लोग हैं, यहाँ जो ट्रैक्टर चालक हैं या और लोग हैं उनको भगाने का काम करते हैं, वही व्यापार मंडल में नो एंट्री में गाड़ी घुसती है, किसी ट्रांसपोर्टर के यहाँ गाड़ी शहर में खड़ी रहती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है और गरीब गुरबा तबका के लोगों के साथ उनको भगाने का काम किया जाता है, उनसे पैसा वसूलने का काम किया जाता है।